हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सुनाओ दानी, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ, कैसे याद किया? बस यार, काफ़ी अरसा हो गया था मुलाकात हुए, तो सोचा क्यों ना मिल लिया जाए। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, मिलते ना। चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ आधे घंटे तक। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी निकलता हूँ आधे घंटे तक। ठीक है, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। ओके। अरे क्या हाल है भाई, कैसे हो? ठीक ठाक, तुम सुनाओ। अरे मैं भी फिट फाट तेरे सामने ही हूँ। तू बता, इतनी देर क्यों कर दी आने में? बस यार, मैं तो निकलने ही वाला था कि असर की जमात का वक्त हो गया, तो उसकी वजह से लेट हो गया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे लिए भी दुआ किया करो, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, तौफीक दे। लेकिन अरे ये बताओ, मसरूफियात क्या चल रही है आपकी, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस यार, रोड पर चलती गाड़ियों की तरह गुजर ही रही है ज़िंदगी भी। अरे कसम से यार, बस गुजर ही रही है। जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अभी तक जितना भी वक्त गुजरा ना, ऐसा लगता है कि पलक झपकाई। खैर ये सब छोड़ो, आज जो मेन मकसद था तुमसे मिलने का, वो ये था कि मैं सोच रहा था कि इस्लाम पे रिसर्च स्टार्ट करते हैं, सहाबा पे, अंबिया पे बुक्स वगैरह तलाश करते हैं और उनका मुताला स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद अहादीस और कुरान पे भी मुताला स्टार्ट करेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है वैसे आपका, दिल तो मेरा भी करता है, लेकिन बस यार तुम स्टार्ट करो, हमारे लिए भी दुआ करना, अल्लाह हमें तौफीक दे, हिदायत दे हमें भी। यार वैसे दिल तो मेरा भी करता है कि ये सामने जो बांस पड़ा हुआ है इसको छू के देखो कि कैसा लगता है। तो दिक्कत क्या, सामने पड़ा हुआ है, जाओ छू लो। बस यार, हमारे लिए भी दुआ करो, अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हिदायत दे हमें भी।